hello everyone and welcome back to my playlist of biochemistry we are doing this from Satya Narayana textbook of biochemistry mineral metabolism ka chapter is and after discussing a few minerals today uh, we are going to focus on metabolism of magnesium. मैग्नीशियम इज़ काइंड ऑफ एन अनसंग हीरो अनसंग हीरो कहते हैं ना कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे गाने गाता है लेकिन उसके बारे में सुना नहीं है अनसंग सिंगर अनसंग हीरो बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन उसको बहुत बड़ी बड़ी फिल्में नहीं मिल रही काइंड ऑफ दैट थिंग सो मैगनीजियम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मिनरल या मॉलिक्यूल और uh, इसके बारे में इतना ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट जिक्र करते नहीं हैं मुझे पता आज की वीडियो को भी बहुत से लोग बोलेंगे यार क्या बोरिंग लेक्चर मैगनीजियम बट भाई थोड़ा सा है कुछ मिनटों की वीडियो है देख लो काम आएगी क्योंकि आपको अगर मैगनीजियम से इतना यू uh, नो you know, प्यार नहीं हो रहा तो आपको इस चीज़ से तो प्यार है ना बोन्स आपकी हड्डियाँ तो आपको पसंद हैं ना सो so भाई बोन्स की खातिर ही मैगनीशियम को सुन लो क्योंकि ज़्यादातर जो बॉडी का मैगनीशियम है इट इज़ प्रेजेंट इन द बोन्स एंड एक्चुअली मैगनीशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स तो जब कभी बोन्स का नाम आता है तो स्टूडेंट्स आर इजिली यू नो पिकिंग अप कैल्शियम दे ऑल्सो पिक अप फॉस्फोरस बट रिमेंबर विदाउट मैगनीशियम आपकी बोन्स नहीं बननी स्ट्रांग नहीं होनी क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे जो बोन फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो एक तो बोन्स आपको पसंद है ना तो बस मैग्नीशियम को भी पसंद कर लो दूसरा मुझे बताओ Do you like your muscles? लो muscles तो हम सबको पसंद ही हैं because इन्हीं की वजह से हमारी movement है इन्हीं की वजह से हम खड़े हैं चल पा रहे हैं बैठे हैं exercise कर रहे हैं so ये जो bones और muscles हैं आपकी body का कितना सारा proportion bones और muscles पर ही तो depend करता है और muscles की appropriate contraction के लिए you need appropriate levels of magnesium because what basically happens कि अगर uh, magnesium की मात्रा body में कम हो जाती है किसी भी वजह से so जो आपके muscles हैं they become irritable so they start contraction at a very low threshold and something like tetany now that is something that you would not like है ना तो मैं आपको context बता रहा हूँ कि magnesium आपके लिए क्यों जरूरी है and then obviously bones are very important for you muscles are very important for you also is important for you uh, this terminology metabolism ab body may be shumar chemical reactions or boosari chemical reactions are collectively known as metabolism कई सारे इंजाइम्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम चाहिए सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग आई एम जस्ट रॉइंग टू बिल्ड इंटरेस्ट इन मैग्नीशियम ताकि स्टूडेंट्स से सुने अगले कुछ मिनट मेरी uh, जो भी चैट आपके साथ हो रही है नाउ द एडल्ट बॉडी कंटेन्स अबाउट स्मॉल पोर्शन ओनली ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम जिसमें से ज्यादातर सेवेंटी परसेंट ऑफ दिस ट्वेंटी ग्राम विच इज अबाउट फोर्टीन ग्राम्स इज प्रेजेंट इन योर बोन्स In combination with calcium and phosphorus, you see bones, ka jab zikar aata hai, you know calcium is there, phosphorus is there, but the magnesium is also in combination with these molecules. The remaining 30% occurs in the soft tissues, uh, which also include muscles and the body fluids, right? और क्या क्या फंक्शन हैं मैग्नीशियम के ये ज़रा सुन लीजिए दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ अब बात समझ में आई मैं यहाँ आपको बोन्स के साथ इसका रिलेशन बता रहा था कितना इंपॉर्टेंट है बट ऑल्सो योर टीथ दांत नहीं तो कुछ नहीं कैसे चबाएंगे स्माइल करेंगे तो क्या दिखेगा सो so, आपके बोन और टीथ डेवलपमेंट के लिए मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Okay, then the next function of magnesium, which you have to remember, is that it serves as a cofactor for many enzymes requiring ATP. So there are so many examples now. See. सम ऑफ दैम आर सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिजम ऑफ ग्लूकोज़ यू लुक एट हेयर हैगजोकाइनीज ग्लूकोकनीज फॉल्सफॉफ्रक्टोकनीज रिमेंबर इन जाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस जिसमें आप ग्लूकोज यूज़ करते हैं ग्लूकोज यूज करके आप ई टी पी बनाते हैं ग्लूकोज यूज तब करेंगे जब ये मैग्नीशियम साहब मौजूद होंगे सो इट बिकम्स वेरी रेलिवेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड नाउ कि वॉट इज़ दी यू नो जॉब ऑफ मैगनीजियम इन द बॉडी सो इतने इंपॉर्टेंट इन एड इन साइकिल पूरा साइक्लिक जी एम पी सिस्टम साइक्लिक जी एम पी सो दिस इज़ अ सुपर इम्पॉर्टेंट इंज़ाइम सेकेंड मैसेंजर की बात करें uh, तो इस इंज़ाइम का नाम लाजमी आता है right and the third function of magnesium that you have to remember is very important because it is associated with appropriate neuromuscular function if the levels of magnesium are low there is irritability of the muscle tissue so muscle tissue start contracting uh, as what happens in tetany situation hai. dietary requirement hai, roughly around 350 mg per day females come si and the important sources are vegetable beans nuts cereals meat milk fruit so yeah <laughs> right? absorption like other minerals obviously in the gi tract magnesium is absorbed in the intestinal cells through a specific carrier system about 50% of the dietary magnesium is normally absorbed so whatever you're taking in only about 50% is going to be absorbed into the body consumption of large amount of calcium phosphate and alcohol diminishes magnesium absorption because gi tract may they form compounds with magnesium and then it's trashed out and not absorbed in the body Parathyroid hormone increases the magnesium absorption into the body, important correlation with parathyroid. सीरम में मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन अबाउट टू टू थ्री मिलीग्राम्स पर डी है इट इज प्रेजेंट इन आयोनाइज फॉर्म आपको पता है कोई भी जब हम इस तरह मिनरल की बात करते हैं सोडियम में भी ऐसे ही था इट इज आइदर प्रेजेंट इन आयोनाइज फॉर्म और बाउंड विद समथिंग लाइक प्रोटीन्स कैल्शियम में भी ऐसे ही है इट इज आइदर प्रेजेंट इन आयोनिक फॉर्म और बाउंड विद समथिंग तो मैग्नीशियम में भी ऐसे ही है सिक्सटी परसेंट इज अबाउट प्रेजेंट इन द फॉर्म एंड some with other ions such as a very small percent 10 percent and some with proteins so this is how any other ion or mineral would be present in the body number one in ionized form in combination with other ions and in combination with proteins so it's maybe magnesium mein koi nahi baat hai. magnesium deficiency up i think we uh, have टॉक्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स सो फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता है कि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो बोन्स में मसला है बिकॉज बोन्स में इसकी मात्रा ठीक ठाक है डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है बोन्स के मैग्नीशियम नहीं होगा तो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होगी तो ये बातें आपको पता है और वो सारे इंजाइम्स काम नहीं करेंगे जिन इंजाइम्स के लिए मैगनीजियम जरूरी है सेट ऑफ इंजाइम्स फ्राम ग्लाइकोलिस फॉर एग्जाम्पल सो मैगनीशियम डेफिशंसी स्टेरस अगर है बॉडी में बिकॉज ऑफ डाइट और बिकॉज ऑफ एनी अदर इशू नीरो मस्कुलर इरिटेशन विल हैपन दे विल बी वीकनेस क्योंकि मसल्स आपके इरिटेटेड हैं एंड इवन कन्वर्जन क्ट रिलैक्स कर रहे हैं कि कन्वर्जेंस का एंड आर वेरी मचिलर टू वी सी इन कैल्शियम इजी राइट देर कैन बी सेवरल थिंग्स जिसकी वजह से मैग्नीशियम हो सकते हैं इंक्लूडिंग मेल न्यूट्रिशन अल्कोहलिज्मीवर अगर काम ठीक नहीं कर रहा सो ऑल दीज आर एसोसिएटेड विद मैगनीशियम डेफिशिय लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम में ऑल्सो भी ऑब्जर्व इन यूरिमिया रिकेट्स एंडल प्रेग्नेसी सो दीज आर ऑल्सो So, uh, because in pregnancy the total protein levels change, so the total ionic serum magnesium goes down, and that sort of stuff. Which we discuss in pregnancy. Ricketts is uh, overall issue, which is calcium ka bhi issue. Hai, vitamin D associated uh, uremia, which decreases the levels of calcium. Um, so, all these things. Cal, uh, not calcium. Sorry, magnesium. If I said calcium somewhere, so please excuse me for that. We are discussing magnesium. So pregnancy, rickets, uremia—they are all associated also with low levels of magnesium. Or if magnesium body may come hoga, you expect uh, muscular irritation. You expect weakness. You expect convulsions. All these things can happen. Uh, symptoms which are very similar to tetany. So small topic, but very important because, axari students, mene ज एन अनसंग हीरो इसको छोड़ ही देते हैं इसके बारे में देखते ही नहीं देखने में पांच छह मिनट लगेंगे यार ये वीडियो मेरी सुन लो मैग्नीशियम के बारे में हर चीज कवर हो जाएगी राइट सो ऑल द वेरी बेस्ट फिर मिलता हूँ अगले किसी मिनरल uh, के साथ अगले वीडियो में टेक केयर ऑफ योर से